मध्य प्रदेश सरकार गांव के विकास के लिए अनेकों योजनाएं चलाकर गांव का विकास चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी विकास कार्यों की राशि ही हजम कर रहे हैं और निर्माण के लिए आई राशि का बिना निर्माण के ही बंदर बांटकर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। मामला पुष्पराजगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत बरबसपुर का है, जहां ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर वित्तीय अनियमितता करने के आरोप लगाते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी पुष्पराजगढ़ को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि रोजगार सहायक की मनमानी से ग्रामीण त्रस्त हैं। बिना निर्माण के राशि का आहरण किया गया और कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। बरबसपुर से आए ग्रामीणों की समस्या को तत्काल संज्ञान में लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र त्रिपाठी ने खुद पंचायत जाकर जांच करने का आश्वासन दिया। बहरहाल देखना यह होगा कि रोजगार सहायक पर आरोप अगर सिद्ध हुआ तो क्या कार्यवाही की जाती है। ग्राम पंचायत बरबसपुर के ग्रामीण जन थे, जिनमें उप सरपंच जी भी साथ में थे उनके। उन्होंने ये एक एप्लीकेशन दिया है मेरे पास जी, और उन्होंने यह बताया है कि ग्राम रोजगार सहायक श्री गोरेलाल चंद्रवंशी है वहाँ, उनके द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है। तो मैं उन्हें अभी बताया कि मैं आपकी शिकायत की जांच अभी चल रहा हूँ और आपके सामने करूँगा, और वो लोग अभी गांव निकल गए हैं, मैं भी आधे घंटे में जाके पूरी जांच आज ही करूँगा। मैं जो फैक्ट होगा उसके आधार पर कार्यवाही भी करेंगे।